कम बजट में और एक नंबर का ठंडाई बनाए हैं, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रस। तो ये जो दो केरी ली हूँ, इसको आम भी बोलते हैं, केरी भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे दो केरी ली हूँ और इसी का हम रस बनाएंगे, जो हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक है और हमारे पेट में बहुत ठंडक पहुँचाता है, धूप से बचाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पुदीना ले ली हूँ, पुदीना भी हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो केरी है, केरी का छिलका निकाल के इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट करेंगे। और ये जो है, ये पुदीना है, इसकी पत्ती जो है, देखिए ये पत्ती जो है, इसको पत्ती को अलग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आम का छिलका निकाल के इसको देखिए मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ। और ये देखिए पुदीना की पत्ती है, ये भी एक कटोरी ली हूँ मैं। और इसमें देखिए हमको क्या क्या ऐड करना है, ये देखिए 2 से 3 चम्मच चीनी है, शुगर है, ये काला नमक है, ये डेली यूज वाला नमक है, और ये चाट मसाला है। तो हम इसके लिए हमको जार चाहिए, जार में ग्राइंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक जार ली हूँ, जार में सारा ऐड कर देते हैं, और ये पुदीना भी इसी में ऐड कर देते हैं, और ये नमक, चाट मसाला, शक्कर, सारा हम इसी में ऐड कर देते हैं। और इसमें हम 1 गिलास पानी इस्तेमाल करेंगे, और ये जब इसका हम पेस्ट बना लेंगे तो उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ भी रखी हूँ, इसको मैं साइड में रख लेती हूँ और इसको पहले ग्राइंड करती हूँ, तब दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकती हैं, ये जो हमारा केरी था और पुदीना था, इसको अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। तो देखिए, हम एकदम अच्छे से इसका पेस्ट बना ली हूँ। तो इसको हम छन्नी से छान लेंगे किसी अलग बाउल में। तो हम इसको अलग कर लेते हैं छान के। तो देखिए, आप इसी तरीके से इसको ऐसे ऐसे करके इसको अलग कर दीजिए छान के अच्छे से, उसके बाद से इसको सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बनाने के लिए बहुत कम बजट और एकदम अच्छा स्वाद, टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। धूप से बचना है तो केरी का आप रस बना के हफ्ते में 2 बार 3 बार पीजिए, देखिए बहुत फ़ायदेमंद है और खान पीने में बहुत अच्छा लगता है। इसको हम छान लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, छन्नी में जो बड़े बड़े रेशे थे और जो केरी के टुकड़े थे, ये सारा छना गया है अच्छे से। और इसको हम चम्मच से अच्छे से फेंट लेते हैं, इसके बाद से हम दिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा रस है, ये बनके एकदम अच्छे से तैयार हो गया है, देखिए। तो आप इसमें चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम गिलास में निकालते हैं। देखिए, जूस ऐसा है कि हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको लूह लग जाए तो ये बना के पियेंगे तो आपको लूह नहीं लगेगा, जैसे धूप नहीं लगेगा, धूप के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें हम आइस डाल देते हैं, तभी मज़ा आएगा पीने में। तो हम देखिए, दोनों में आइस डाल दी हूँ और ये पीने में बहुत मज़ा आएगा, एकदम टेस्टी, एकदम स्वादिष्ट। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कम बजट में एक नंबर का नुस्खा है कि जो आपके पेट के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको गैस बना है, अगर आपका मन भी किया पीने के लिए, कुछ ठंडाई पीने का मन किया, तो देखिए कम बजट में और सबसे अच्छा ठंडाई, स्वाद एक नंबर का। तो अगर आपको ये ऐसा रस बनाना है तो हमारे वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।